हेलो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग उत्कर्ष गुड मॉर्निंग अनूप स्वागत so, है बच्चे आज का आज के सेशन में आप सभी का पहली खबर देखिए बच्चे आपकी आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है खेल से रिलेटेड है खबर है आईसीसी वनडे रैंकिंग से रिलेटेड आईसीसी आप सभी को पता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ठीक है क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके द्वारा बच्चे क्या किया जाता है उसके द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बेसिक पर उनके जो भी साल भर का प्रदर्शन होता है उसके आधार पर उन्हें कुछ पॉइंट दिए जाते हैं कुछ नंबर दिए जाते हैं और फिर उन नंबरों के आधार पर उन्हें रैंक दी जाती है ठीक है तो अगर वनडे की बात करें ओ की बात करें तो दो तो रैंकिंग अभी अभी रिलीज की गई है आई के द्वारा जिसमें आपका पहली जो रैंकिंग है वो बैट्समैनों की मतलब कि इस साल जिन बैट्समैनों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो रैंकिंग आपकी जारी हुई है वनडे रैंकिंग के नाम से आप इसे जानेंगे बैट्समैनों के लिए बल्लेबाजू के लिए ठीक है और दूसरी रैंकिंग आपकी जारी हुई है बॉलर्स के लिए मतलब कि गेंदबाजों के लिए ठीक है गेंदबाजों के लिए तो इस रैंकिंग में बच्चे आपको दोनों जो इंडियन प्लेयर हैं उनका नाम याद रखना है तो बैट्समैन की अगर बात करें बल्लेबाजू की बात करें तो विराट कोहली जो है इंडिया के चौथे नंबर पे है ठीक है ओडीआई रैंकिंग में विराट कोहली चौथे नंबर पे है टॉप फाइव में है और उसके बाद अगर बॉलर्स की बात करें गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद सिराज ठीक है तीसरे नंबर पे है मोहम्मद सिराज तो इन दो खिलाड़ियों को क्रिकेटर्स को आपको याद रखना है विराट कोहली को याद रखिएगा चौथे नंबर पे है ओडीआई बैट्समैन की रैंकिंग में और मोहम्मद सिराज बचे ये ओडीआई बॉलर्स की रैंकिंग में तीसरे नंबर पे है इंडिया से ठीक है तो टॉप फाइव टॉप फाइव में से आपको जो दोनों इंडियंस हैं उन्हें याद रखना है और अगर टॉप बैट्समैन की बात करें तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से हैं टॉप पर हैं ठीक है ठीके? और न्यूजीलैंड के बॉलर हैं ट्रेंट बोल्ट ठीक है Bolt, बोल्ट जो है आपके वो पहले नंबर पे हैं गेंदबाजों में तो एक तो पहले नंबर वालों को और इंडियंस जो हैं उनकी रैंकिंग याद रखिएगा दोनों को एक बैट्समैन भी और बॉलर्स को भी ठीक है तो ये बच्चे आपके मोहम्मद सिराज और विराट कोहली हैं <coughs> दोनों को याद रखेगा आई में एक ही टीम से भी खेलते हैं तो याद रखेगा अगला आपका जो न्यूज़ है ये आपकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ठीक है अब ये एक्सरसाइज आपकी है नाम क्या है इसका एक्सरसाइज साइक्लोन वन ठीक है और साइक्लोन वन इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह इस एक्सरसाइज का इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का यह पहला संस्करण है पहला एडिशन है ठीक है तो कंट्रीज देखते हैं कौन कौन से देशों की सेनाएं इसमें भाग लेगी ये है आपका भारतीय और मिश्र की सेना ठीक है इंडिया और इजिप्ट की आर्मीज इसमें भाग लेंगी और इसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन वन और ये बच्चे पहला एडिशन है पहली बार हो रहा है ये अभ्यास तो इसे आपको याद रखना है और कहाँ पे हो रहा है वेन्यू भी आपको याद रखना है ये आपका राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हो गया है ठीक है याद रखिएगा एक्सरसाइज साइक्लोन वन इंडिया और इजिप्ट के बीच में भारत और मिश्र के बीच में और कहाँ पे हो रहा है ये आपका राजस्थान के जैसलमेर में हो रहा है ठीक है चलिए अगला आपका स्टेट एक राज्य से रिलेटेड न्यूज़ है और स्टेट है आपका महाराष्ट्र ठीक है देखते हैं महाराष्ट्र ने क्या किया है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन महामेट्रो के नाम से जिसे हम जानते हैं हैज अनाउंस्ड दैट द कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी विल इंस्पेक्ट अ स्ट्रेच ऑफ द पुणे मेट्रो इन फरवरी दिस लाइन फीचर्स इंडियास डीपेस्ट अंडरग्राउंड स्टेशन मेजर्स 33.1 मीटर्स अब देखिए बच्चे जैसे कि हमने देखा कि एक मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है कहाँ का महाराष्ट्र का तो इन्होंने अनाउंस किया है कि पुणे में जो है भारत की सबसे गहरी ठीक है सबसे गहरी भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा ठीक है फरवरी में इसका काम शुरू किया जाएगा तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया का जो डीपेस्ट सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है वो कहाँ पर बनाया जाएगा तो ये बनेगा आपका महाराष्ट्र के अंदर कहाँ पर पुणे में ठीक है पुणे में आपका इंडिया का सबसे गहरा जो है वो अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जाएगा ठीक है ये तो हो गई आपकी मेट्रो स्टेशन की बात अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी अभी कौन से स्टेट ने कौन से स्टेट में जो मेट्रो आ, स, आ, मेट्रो है वो अंडर वाटर टनल अंडर वाटर मेट्रो के लिए टनल बनाए जाने की घोषणा कौन से स्टेट ने की है तो जल्दी आप उसका आंसर लिख करके बताएंगे बताइए अंडर वाटर क्या करना है टनल बनानी है किस चीज के लिए मेट्रो के लिए आप बताइए कि कौन से स्टेट के द्वारा यह घोषणा की गई है और ये काम आपका बहुत जल्द समाप्त भी हो जाएगा बताइए कौन से स्टेट है बच्चे ये तो आपका सबसे गहरा है इंडिया का डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम बनेगा ये आपका ठीक है महाराष्ट्र में लेकिन इसके अलावा बच्चे एक और आपका मेट्रो कॉर्पोरेशन है जिसके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वहां पर क्या किया जाना है एक अंडर वाटर टनल बनाई जानी है जो कि इंडिया में पहली होगी ठीक है वो भी भारत की पहली है तो उसका नाम बताइए कौन से स्टेट में बनेगा ठीक है अगली खबर आपकी इंटरनेशनल है अंतर्राष्ट्रीय है 2023 अफगान लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है किसने यूनेस्को ने ठीक है यूनेस्को बच्चे यूएन के द्वारा चलिए इसके बाद मैं आपको पूछूंगी यूनेस्को के महानिदेशक ऑडरी ओजिल ने क्या किया है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ठीक है चौबीस जनवरी को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है देखिए बच्चे जो आपकी यूएन है और यूएन के जो सहायक क्या है? जो है, जो है, कम, आ, स, जो सहायक उनके द्वारा एक हर एक साल को किसी ना किसी वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया जाता है ठीक है तो पहले तो आपको मुझे बताना है कि यूनाइटेड नेशन ने खुद 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी ठीक है ये आप मुझे लिख करके बताए और उसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि यूनेस्को ने 2023 को किस चीज के लिए बच्चे डिनोट कर दिया है किस चीज को मनाए जाने के लिए इन्होंने घोषणा की है तो अफगानिस्तान में जो लड़कियां हैं जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा के लिए ठीक है अफगान लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है 2023 का साल मनाए जाने की घोषणा की है किसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा ठीक है ये यूएन नहीं है ये है यूनेस्को वेरी गुड अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ पे बनाई जाएगी वेस्ट बंगाल में बनाई जाएगी ठीक है अब मुझे ये बताइए कि यूएन के द्वारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाई जाने की घोषणा की गई थी ठीक है और उससे और इसमें थोड़ा सा अंतर रखिएगा ये यूएन ने नहीं किया है ये यूनेस्को के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है इन्होंने घोषणा की है कि दो को जो है वह अफगानिस्तान की लड़कियों महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित करने का इन्होंने निर्णय लिया है ठीक है ये

लंदन के अंदर बना था ठीक है तो हेडक्वार्टर अभी कई और है लेकिन स्थापना इसकी लंदन में हुई थी 1945 में जल्दी से मुझे बताइए यूएन का 2023 का वो भी बच्चे हम कई बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जल्दी से लिख करके बताइए अगली खबर बच्चे आपकी स्कीम से रिलेटेड है ठीक है योजनाओं से रिलेटेड है केंद्र सरकार ने क्या किया है स्वास्थ्य योजना सरकार की केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना जिसका नाम है देखिए दो योजनाओं को जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है एकीकृत किया कर दिया गया है और वो दो योजनाएं फिलहाल आपको याद रखनी है एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली सी आप में से बहुत सारे लोग जो है अगर आपके घर में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो कर्मचारी है केंद्रीय सरकार में अगर कोई कर्मचारी है तो आपको पता होगा कि सी का जो है कार्ड बनाया जाता है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट बचे जो भी वर्कर होते हैं उनकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए ये सेंटर खोले गए हैं और वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर पेंशन भोगी जो है वो यहाँ से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं ठीक है तो ये जो आपकी स्कीम इंडिया में स्टार्ट की गई थी नाइनटीन में स्टार्ट की गई थी ठीक है और इस स्कीम को जो है इंटीग्रेट करने की घोषणा की है अभी केंद्र सरकार ने इसके साथ में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ठीक है जो आपका डिजिटल आयुष्मान भारत जो योजना स्टार्ट हुई है बच्चे उसके साथ में इसे एकीकृत इसे इंटीग्रेट करने की घोषणा की गई है ठीक है ताकि जो सी वाले जो रिकॉर्ड हैं वो आपके आयुष्मान के अंदर आ जाए ठीक है और इससे जो है इनके काम में सरलता हो ठीक है तो दो स्कीमों को जो है एकीकृत कर दिया गया है उन दोनों का नाम आपको याद रखना है एक तो सी वाली है जो पहले से चल रही थी नाइनटीन से ये योजना आपकी चल रही है ठीक है और दूसरी जो ए बी पी एम जे वाई है जो आपका आरोग्य आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो शुरू हुई है आपकी 23 सितंबर 2018 में इन दोनों को बच्चे इंटीग्रेट करने के लिए सरकार के द्वारा घोषणा की गई है तो ये आपको याद रखना है दोनों स्कीम्स को याद रखिएगा दोनों का मकसद वही है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने से रिलेटेड है जो लेकिन जो सी है वो सिर्फ उन्हें बच्चे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो कि सेंटर गवर्नमेंट में केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं ठीक है ठीके? थोड़ा सा इतना सा अंतर है और बाकी आयुष्मान तो आप सभी को पता है कि जो भी एलिजिबल होगा वो इसका लाभ ले सकता है ठीक है आयुष्मान भारत का जो कार्ड बनता है आप सभी को पता होगा कार्ड बनता है उसमें जो है फोर्टीन डिजिट का एक नंबर होता है उसके आधार पर जो है आयुष्मान भारत के अंदर क्या किया गया है अलग अलग हॉस्पिटल्स को लिस्ट किया गया है आप वहाँ पर जाइए आपका जो इलाज होगा वह आपको बीमा के रूप में मुफ्त इलाज दिया जाएगा सरकार की तरफ से ठीक है तो इन दो स्कीमों को इंटीग्रेट करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा तो दोनों स्कीम का पता आपको होना चाहिए ठीक है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट्स वेरी गुड बाजरा के लिए वार्षिक वर्ष बाजरा के लिए अभी मैंने जो आपको पूछा था बच्चे, चाहे यूनाइटेड नेशन ने 2023 को किस रूप में बनाए जाने की घोषणा की है इन्होंने बनाए जाने की घोषणा की है ईयर ऑफ मिलेट्स ठीक है ईयर ऑफ मिलट्स बाजरा मोटे अनाज में जो आपका बाजरा होता है उसके लिए ठीक है तो ये आपको याद रखना है और दोनों स्कीम्स को एक उन्नीस एक 1954 की स्कीम है सी जी एच एस वाली और एक आपकी स्कीम है अभी 2018 की तो दोनों को इंटीग्रेट करने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने ठीक है चलिए अगला आपका रैंकिंग और इंडेस से रिलेटेड है रैंक देखते हैं किसे दिया गया है यहाँ पे देखिए बच्चे ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स ट्वेंटी ये आपका एक इंडेक्स है अब अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता अगर इसमें किसी इंडियन का नाम नहीं आया होता लेकिन फिलहाल बच्चे यहाँ पे एक इंडियन है जिनका नाम है बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है मुकेश अम्बानी ये आपके वर्ल्ड में दुनिया में जो है दूसरे नंबर पे आए हैं इन्हें जो है इस इंडेक्स में दूसरा स्थान मिला है तो ये इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ब्रांड गार्डनरशिप इंडेक्स 2023 ठीक है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 इसका नाम है इसमें मुकेश अम्बानी को दूसरा नंबर मिला है और ये बच्चे आपका ऐसे ऐसे बिजनेसमैन को लिस्ट करती है ये जो इंडेक्स है ऐसे बिजनेसमैन को इसमें रखा जाता है जिन्होंने अपने बलबूते पे जो है एक बिजनेस खड़ा किया और फिर बहुत लंबे समय तक उसे सेम प्रॉफिट पे कहिएगा या फिर सेम लेवल पर उन्होंने बनाए रखा ठीक है तो इस तरीके की मालिक है, के है और इन्हें जो है पहला स्थान दिया गया है और दूसरा स्थान मिला है मुकेश अंबानी को ठीक है जो की आपको पता ही होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो है मालिक है ठीक है आगे आपका आगे भी आपकी खबर है रैंकिंग और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ब्रांड फाइनेंस के द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2023 ग्लोबल 500 2023 के अनुसार रिलायंस जियो को भारत में सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है और दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में नवे स्थान पर रखा गया है ठीक है इसे भी आपको याद रखना है सेम कंपनी से रिलेटेड ही आपकी न्यूज हो गई ये भी ठीक है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा अभी क्या किया गया है एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है ग्लोबल 500 2023 ठीक है ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट का नाम है और इसमें बताया गया कि जो रिलायंस जियो है वो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है ठीक है सबसे मजबूत ब्रांड है और दुनिया में अगर इसकी बात करें तो दुनिया में इसके वर्चस्व की बात करें तो दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में यहाँ नब्बे स्थान पर आता है कौन से स्थान पर आता है नाइन्थ प्लेस पर ठीक है नब्बे स्थान पर आता है और अगर पहले स्थान की बात करें पहले जो, जो सबसे मजबूत ब्रांड है इसके रिपोर्ट के अनुसार वो है अमेजन कौन सा है अमेजन ठीक है ये आपको याद ठीक है तो जो आपका रिलायंस ब्रांड है ये भारत में पहले नंबर पर दुनिया में नवे नंबर पे है और जो अमेज़न है वो दुनिया में पहले नंबर पे है ठीक है और रिपोर्ट का नाम क्या है ग्लोबल फाइव हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट का नाम है किसके द्वारा इसे रिलीज किया गया है इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली बॉडी का नाम संस्था का नाम है ब्रांड फाइनेंस ठीक है ये आपको याद रखना है देखिए अब आ, आपका गया है एस एस का क्वेश्चन प्रश्न आपको पूछा गया था कि जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय कौन बने हैं ठीक है तो 2022 में आपका पेपर हुआ 2021 का ओलंपिक का प्रश्न आपको पूछा गया है ठीक है और अपने आप में अचीवमेंट भी थी इसीलिए भी आपका पूछा गया और ओलंपिक उसके बाद दोबारा हुए भी नहीं है अभी आपका uh, 2024 में होना है तो इसीलिए आपको ये प्रश्न पूछा गया था जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच मतलब कि सिंगल सिंगल टेनिस में जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय बने थे तो आपको उनका नाम बताना है रामकुमार रामानाथन थे मुकुंद ससीकुमार थे प्रजनेश गुना सोरन थे या फिर सुमित नागल थे बताए ऐसे कौन से प्लेयर हैं बच्चे जिन्होंने की ओलंपिक 2021 में जो है एकल एक मैच जीता था सिंगल मैच जीता था और सिंगल मैच जीतने वाले भी वो भारत से तीसरे टेनिस प्लेयर थे चार ऑप्शन आपके सामने हैं चार खिलाड़ियों के नाम आपके सामने हैं जल्दी से बताएं सुमित नागल वेरी गुड इसका सही जवाब है बच्चे ऑप्शन नंबर डी सुमित नागल ठीक है तो थोड़ा सा इस प्रश्न को अगर हम डीप में जाके देखें तो अभी तक यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सिर्फ तीन खिलाड़ी हुए हैं तीसरे भारतीय है यह बने हैं ठीक है थीके? मतलब कि टेनिस में टेनिस में कहाँ पर ओलंपिक्स में भारत ने बच्चे टेनिस में ओलंपिक्स में अभी तक सिर्फ तीन बार ही सिंगल मैच जीते हैं सिंगल मैच जिसमें एक खिलाड़ी होता है ठीक है मतलब कि दो खिलाड़ी होते हैं एक दूसरे के अपोजिशन में खेलते हैं ठीक है तो सिर्फ तीन बार ही भारत जो है सिंगल मैच जीतने में आपका सफल हो, हो पाया है और सबसे पहली बार जीता था नाइनटीन में जिशान अली ठीक है उसके बाद जीता था नाइनटीन में लियंडर पेस लियंडर पेस को आप लोग जानते होंगे इन्हें आप कह सकते हैं कि टेनिस के सचिन तेंदुलकर ही हैं ठीक है ठीके? तो लेंडर पेस 1996 में इन्होंने जीता था इंडिया के लिए और तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो 2021 सुमित नागल ठीक है 2021 में सुमित नागल ने जीता बच्चे ठीक है तो अभी तक सिर्फ तीन ही खिलाड़ी हुए हैं अब 2024 में देखते हैं क्या प्रदर्शन रहता है टेनिस की तरफ से लेकिन आपको इन खिलाड़ियों का नाम भी पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद 2021 से अभी बात करें क्योंकि अभी आपका दो अगर 23 में पेपर हो गया मतलब 2024 से पहले आप आपका आपका एग्जाम हो गया तो फिर भी आपके लिए 2021 वाला जो ओलंपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है ठीक है तो वहाँ से हम देखते हैं कि 2021 में भारत का प्रदर्शन क्या रहा था कौन कौन से खिलाड़ी फिलहाल आपको याद करने पड़ सकते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे देखिए बच्चे टोटल हमने जो है ये मेडल्स जीते थे वहाँ पे और अगर गोल्ड की गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे नीरज चोपड़ा अभी तक आपको याद होंगे ना नीरज चोपड़ा ने जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था ठीक है और ये आपका कौन से खेल को खेलते हैं जेवलिन थ्रोवर है ठीक है जेवलिन थ्रोवर हैं भला फेंक आपके खिलाड़ी हैं उसके बाद यहाँ पे एक मेडल जीता था मीराबाई चानू ने इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वुमेंस 49 केजी वेट लिफ्टिंग में ठीक है भारतोलन की खिलाड़ी है, है रवि कुमार मेडल उसके बाद है पीवी सिंधु पीवी सिंधु ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था और लोवीलिना बुरोहन इन्होंने भी आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था पीवी सिंधु आप बैडमिंटन से रिलेटेड है और लोविलीना जो है आपकी बॉक्सिंग से रिलेटेड है उसके बाद आता है आपका बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसमें रेसलिंग में और एक आपको मेडल मिला था जो कि हॉकी टीम ने दिला ठीक है ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस हॉकी टीम ने दिलाए थे ये तो ये आपको याद रखना है ये प्रदर्शन रहा था 2021 में भारत का ठीक है तो इनमें सब से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है गोल्ड मेडल वाले वो अभी तक आपको याद होंगे नीरज चोपड़ा उसके बाद इनका जो है लगातार सभी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी अभी खेल रहे हैं सभी इवेंटों में इनका प्रदर्शन लगातार अच्छा ही है ठीक है उसके बाद मीराबाई चानू है सिल्वर मेडलिस्ट और रवि कुमार दहिया है सिल्वर मेडल ठीक है और एक आपका टीम का है वो है इंडियन मैंस हॉकी टीम ने बच्चे ब्रॉन्ज मेडल जिताया है ठीक है तो ये आपका 2021 का जो ओलंपिक हुआ है जो लेटेस्ट ओलंपिक हुआ है उसमें भारत का प्रदर्शन है इन सभी खिलाड़ियों को इनके खेलों को याद रखिएगा ठीक है खिलाड़ियों को खेलों को याद रखिएगा कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है ये आपको याद रखना है जब तक दूसरा ओलंपिक नहीं हो जाता पिछला वाला इंपॉर्टेंट है अगर दो में आपका पेपर होता है ठीक है दूसरा ओलंपिक होने से पहले चलिए अब आपको आंसर करने हैं जल्दी जल्दी मिसेज़ वर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू का खिताब किसके द्वारा जीता गया है बताइए मिस वर्ड नहीं है बच्चे ये है मिसेज़ वर्ड दो हजार बाईस इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है ये बच्चे आपका फोर्टीन को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है एसएससी का जो एग्ज़ाम चौदह तारीख को हुआ था गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बताए सरगम कौशल है सेलिन फोर्ड है अदिति गोवित्रिकर है या फिर कैरोलिन ज्यूरी इस वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू का खिताब किसके द्वारा जीता गया है ऑप्शन नंबर डी ए ए वेरी गुड उदय सरदार उमा यादव वेरी गुड बच्चे ऑप्शन नंबर ए सरगम कौशल ठीक है सरगम कौशल ने जो है इस बार का वर्ल्ड टाइटल जीता है और ये तभी आपके लिए टाइटल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब इंडियंस के द्वारा जीते जाते हैं ठीक है तो इस बार जो है आपका भारत की जो यहाँ पे हिस्से लेने वाली जो रही उन्होंने जो है सरगम कौशल के द्वारा यह जीता गया है और इससे पहले जो है दो एक में बचे ये आपकी दूसरी बार जो है मिसेस वर्ल्ड भारत के नाम पे आया है इससे पहले जो है अदिति गोवित्रकर ने जो है ये जीता था 2001 में ठीक है तो नाम याद रखिएगा मिसेस वर्ल्ड जीता है सरगम कौशल ने और ये आपकी दूसरी जो है दूसरी मिसेस वर्ल्ड बनी है इंडिया से ठीक है याद रखिएगा अगला है आपका फीफा विश्व कप दो जिसे कि अर्जेंटीना ने जीता है उसमें गोल्डन बॉल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है बताइए गोल्डन बॉल किसे मिला है ये तो बहुत आसान है आपके लिए बताएं किसके वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी लियोनल मैसी गोल्डन बॉल किसे मिला है बच्चे लियोनल मैसी को मिला है 2022 का इनकी टीम ने जो है अर्जेंटीना ने है आपका फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है और इन्हें जो है आपका गोल्डन बॉल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है ठीक है अगला है आपका भारतीय मूल के नेता लियो वराडकर लियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है बताइए ये बच्चे आपके भारतीय मूल के नेता हैं, इनका नाम है लियो वरादकर यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है यूके है इटली है आयरलैंड है या फिर श्रीलंका है अब यहाँ पे देखिए श्रीलंका को तो आपको पता ही होगा श्रीलंका में नहीं है यूके का भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो भी भारतीय मूल के हैं उसके अलावा है आपका इटली और आयरलैंड मैसी को बच्चे गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला है कहाँ के हैं ये आयरलैंड वेरी गुड लियो वरादकर बच्चे प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के आयरलैंड के बने हैं और सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है क्योंकि भारतीय मूल के हैं तो इसीलिए जो है थोड़ा सा पूछा जा सकता है आपको और यूरोपियन कंट्री है आयरलैंड यहाँ पे जो है भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये आपको याद रखना है अगला है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है बताए अगरतला है अहमदाबाद है कोहिमा है या फिर आइजोल इनमें से कौन सी सिटी में कौन से शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रह प्रवेश नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है इसका सही जवाब है आपका अगरतला ठीक है त्रिपुरा के अगरतला में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रह प्रवेश प्रोग्राम शुरू किया गया है ये आपको याद रखना है ठीक है और ये आपका जो प्रोग्राम है ये कौन सी योजना के तहत चलाया जा रहा है बच्चे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल स्कीम ठीक है यहाँ पे क्या बनता है आपको पता होगा कि जो डिप्राइव लोग हैं जो वंचित समुदाय हैं उनके उनको क्या दिया जाता है आवास दिया जाता है उनके लिए घर बनाए जाते हैं ठीक है ठीके? तो इसी से रिलेटेड आपकी ये स्कीम भी है गृह प्रवेश स्कीम है प्रोग्राम है कार्यक्रम है और यहाँ कहाँ पे चलाया गया है अगरतला में यह आपका शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अगला है आपका जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ये आपका कहाँ पर शुरू किया गया है ये बच्चे आपका एक इंस्टीट्यूट का नाम है आपको बताना है कि ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया इन विच सिटी बुक के बारे में बताएं कौन सी सही है कौन से एग्ज़ाम के लिए बच्चे कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बताएं मुझे यह बताइए कि कौन से एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद ही बुक बताई जाएगी हेलो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है बच्चे इसे याद रखना है आपको हैदराबाद में इसे इनोग्रेट किया गया है ठीक है यूनियन मिनिस्टर जो आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया ठीक है थीके? इनके द्वारा ये आपका हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया है इस इस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखिएगा अगला है सशस्त्र सीमा बल की स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है बताइए एस सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर बारह दिसंबर फिफ्टीन दिसंबर नाइनटीन दिसंबर ट्वेंटी आर आरबी ए एल पी के लिए ओके okay. बच्चे आर या फिर जो भी आपके टेक्निकल एग्ज़ाम है ठीक है चाहे वो आर हो गया चाहे वो आपका ए हो गया या फिर एस जो आने वाला एस एस सी जे ही है आपका ठीक है सबसे रिलेटेड जो है आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से करना है क्या सिलेबस है वो आपको डेटा मिलेगा जो मेक इट इजी का दूसरा चैनल है जी के लर्न ठीक है वहाँ पे जाइए उसे सब्सक्राइब करिए बच्चे बहुत जल्दी आपका पूरा एक प्लान वहाँ पे आने वाला है ठीक है किस तरीके से आपको ए के लिए तैयारी करनी है और क्या अलग रहेगा आरआरबी के लिए ठीक है तो दोनों के जो है अलग अलग प्लान सा सिलेबस है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन सी बुक आपको पढ़नी है और कौन सी बुक में से कितना पढ़ना है वैसे तो सबसे बेसिक जो बुक है बच्चे वो है आपकी लूसेंट ठीक है लूसेंट सबसे ज़्यादा बेसिक बुक है लेकिन लूसेंट भी अभी जो आपकी आ गई है अपडेटेड जो वर्जन है वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें फैक्ट दिए गए हैं लेकिन उसमें पूरी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आपके एग्ज़ाम उस लेवल के नहीं हैं ठीक है ठीके? तो नॉन टेक वाले लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए लूसेंट आपकी बहुत ज़्यादा होती है और आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगी लेकिन उसे भी किस तरीके से पढ़ना है आप इसके लिए बच्चे आप जी के लर्न बाई मेक इट इजी जो आपका चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए बहुत जल्दी आरआरबी के लिए एक सीरीज आएगी ठीक है पूरा उसमें आरआरबी के बारे में आपको बताया जाएगा किस तरीके से पूरा सिलेबस है किस तरीके से अभी उसकी हिस्ट्री क्या रही है किसने प्रश्न आए हैं कौन से प्रश्न आए हैं तो so, आरआरबी के लिए और एल पी के लिए वहाँ पे दोनों के लिए जो है आपको गाइडेंस दी जाएगी कौन सी किताब आपको पढ़नी है जी के आपका साइंस कहाँ से पढ़ना है जी के कहाँ से पढ़ना है रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है ये सभी का सभी वहाँ पर बताया जाएगा ठीक है ए वाले को मैं आपको बताऊँगी और आर जो है आपके जो रीजनिंग वाले सर हैं अतुल सर उनके द्वारा आपको बताया जाएगा ठीक है उनके द्वारा गाइड किया जाएगा तो दोनों के लिए आपको गाइडेंस दी जाएगी आप प्लीज़ इस चैनल को जी के लर्न बाई मेक इट इजी जी के लर्न बाई मेक इट ईजी चैनल जो आपका है जहाँ पर नॉन टेक वाला जो पोर्शन है वो आपको दिया जाता है तो वो बच्चे आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा ठीक है ऐसे ऐसे के लिए बच्चे सी का प्लेटफॉर्म है नहीं सी आपका कंप्लीटली अलग हो गया वो नॉन टेक वाला जो है पूरी की पूरी तैयारी है वहाँ पर तो ये सिर्फ आपको जो बताया जा रहा है वो है जो टेक्निकल एग्ज़ाम है जहाँ पर टेक्निकल का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है ये टेक्निकल का जो आ, टेक्निकल का जो नॉलेज है वो आपका ज्यादा पूछा जाता है उसके लिए जो है नॉन टेक किस तरीके से पढ़ना है उस वो बताया जाता है ठीक है चलिए एस का जो आपका डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर दिसंबर को 20 को ठीक है बच्चे आपका सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो एस एस बी है इसकी तैनाती कहाँ पे है कौन से बॉर्डर में है नेपाल और भूटान के बॉर्डर में ठीक है नेपाल और भूटान के बॉर्डर में जो है वो तैनात रहती है आपकी एस एस बी सीमा सशस्त्र बल जिसे हम कहते हैं ये इसकी तैनाती कहाँ पे रहती है वो भी आपको याद रखना है नेपाल और भूटान वाले पे इनकी तैनाती रहती है और एस एस जब आपका, आपका, आपका शुरू हुआ था या फिर इसका गठन जो किया गया था वो उन्नीस में किया गया था और इसका जो रीजिंग डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है स्थापना दिवस वह सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 20 को ठीक है अगला है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव की पांचवी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है बताइए प्रोजेक्ट फाइव की फिफ्थ स्कॉर्पियन पंडुबी का नाम क्या है आई कलवरी है आई खंडेरी है आई वजीर है या फिर आई खरंज है बताए मैपी को कौन सा पुरस्कार मिला है मैपी को बच्चे आपका गोल्डन बॉल गोल्डन बूट ठीक है गोल्डन बूट मिला है आपका मैपी को बताएं ये वाला बताइए प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत क्या किया जा रहा है भारतीय डिफेंस के लिए इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए पंडुबियां तैयार की जा रही हैं ठीक है सबमरीन बन रही हैं स्कॉर्पियन पनडुबिया हैं ठीक है स्कॉर्पियन पनडुब्बिया है अब क्या होता है इसके तहत सिर्फ याद रखिएगा कि आपका ये पनडुब्बी बनाने का प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव किस चीज से रिलेटेड है आपकी हाईटेक पनडुब्बी हाई सबमरीन बनाने से रिलेटेड आपका यह प्रोजेक्ट है और इसकी पांचवी इसकी पांचवी पंडुब्बी अभी बन करके तैयार हो गई है उसका नाम आपको बताना है नाम क्या है इसका इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी बताया है प्रिंस वेरी गुड आइनस वजीर ठीक है इसका नाम याद रखिएगा आई वजीर बच्चे आपका इस सीरीज का पांचवा पंडुबी है हाल ही में इसे बनाया गया है और फिफ्थ सबमरीन है ये ठीक है तो नाम याद रखिएगा कि आई वजीर क्या है ये एक सबमरीन है और प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के अंडर में बनाई गई है आपकी सबमरीन है ठीक है और ये सारे के सारे जो सबमरीन बनाए जाएंगे सारी की सारी जो पंडुबियाँ बनाई जाएंगी वह स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाई जानी है ठीक है तो आपको ये याद रखना है लेटेस्ट यही बनी है इसके बाद जब नहीं बनेगी तो वो हम पढ़ेंगे और सारी की सारी जो ये सबमरीन बनाई जा रही हैं, वह कलवरी क्लासेस की, ठीक है कल्वरी क्लास, कल्वरी क्लास की है कलवरी क्लास की सारी की सारी आपकी पनडुब्बिया है तो इसे इतना याद रखिएगा कि आई वजीर क्या है ये आपकी एक पंडुबी है स्कॉर्पियन पंडुबी है जो कि प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के अंडर में बनाई जा रही है और कलवरी क्लास की एक सबमरीन है ठीक है इतना याद रखिएगा अगला है भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए पी फिफ्टीन बी अब इसका नाम जो है पी फिफ्टीन बी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है बताइए मिसाइल डिस्ट्रॉयर बच्चे हाल ही में कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के लिए आपको बताना है कि इसका नाम क्या है अब ऑफिशियल नाम आपको दिया हुआ है पी फिफ्टीन बी ठीक है पी फिफ्टीन बी ये क्या है आपका स्टेल्थ गाइडेंड डिस्ट्रॉयर है तो ये आपको बताना है कि नाम क्या रखा गया है इसका आई एन एस है आई एन एस कोलकाता है आई एन एस कोची है या फिर आई एन एस चेन्नई है नाम क्या रखा गया है इसका और ये क्या है बच्चे आपका जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि आई एन एस वजीर आई एन एस आपका क्या है ये आपकी एक सबमरीन है ये आपका एक पनडुब्बी का नाम है उस तरीके से आपका जो आप आंसर बताएंगे वो किसका नाम होगा वो आपका होगा एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर ठीक है मिसाइल को ध्वस्त करने वाला मिसाइल डिस्ट्रॉयर ठीक है ये आपका मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने वाला शिप होगा उसका नाम बताइए वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए आईएनएस एन मार्मोगाओ इसका नाम क्या रखा है बच्चे पी फिफ्टीन बी ये नाम है आपका आईएनएस एन मार्मोगाओ का ठीक है और ये इंडियन नेवी के लिए हाल ही में कमीशन किया गया है ठीक है तो इसे आपको याद रखना है और है क्या ये चीज ये आपका एक शिप है जो कि मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है ठीक है इतना याद रखिएगा और किसने बनाया बनाया है बनाया है है इसे गया मंजगांव मंजगांव डॉक डॉक शिप शिप बिल्डर लिमिटेड, शिप बिल्डर लिमिटेड लिमिटेड ठीक जो कंपनी है आपकी उनके द्वारा इसे बनाया गया है और किसके लिए बनाया है भारतीय नेवी के लिए बनाया गया है अगला है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया देश का पहला ग्रीन स्टील का ब्रांड नेम क्या है बताइए हमारी कंट्री का पहला ग्रीन स्टील इसका ब्रांड नेम क्या है ये आपको याद होना चाहिए बताइए इंडिया का पहला ग्रीन स्टील जो बना है ना हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है आपको बताना है कि इसका ब्रांड नेम क्या है ये जो ग्रीन स्टील बेचा जा रहा है किस नाम से बेचा जा रहा है कल्याणी फेरस्ता है जेरेमिस है एच बी आई एस ग्रुप है या फिर इब्रेडोला है बताइए ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड बहुत बढ़िया यह है आपका ऑप्शन नंबर ए कल्याणी फरिस्ता ठीक है इसका नाम याद रखिएगा बच्चे ये आपका ग्रीन स्टील है और पहली बार जो है आपका स्टील जो है ग्रीन स्टील भारत में इंट्रोड्यूस करवाया गया है किया गया है और इस ब्रांड का नाम है कल्याणी फेरिस्ता है और ग्रीन स्टील का मतलब क्या है ऐसा मत समझिएगा कि हरे कलर का स्टील होगा ग्रीन स्टील इसलिए बोला जा रहा है बच्चे कि स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टील को बनाने का जो प्रोसेस होता है वह आपका इको फ्रेंडली तरीके से बताया बनाया गया है ठीक है वो जो आपके आ, रिन्यूएबल जो आपके होते हैं उन्हें आपका यूज किया गया है इस स्टील को बनाते वक्त इसीलिए से जो बनकर स्टील आया है उसे कहा जा रहा है ग्रीन स्टील ठीक है तो इसे आपको याद रखना है द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टील वॉज क्रिएटेड बाई कल्याणी ग्रुप ए पुणे बेस्ड स्टील मैन्युफेक्चर ठीक है बनाया किसने है इसे कल्याणी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है इसीलिए इसका नाम जो है कल्याणी फेरिस्त है ठीक है। और इस्पात मंत्री जो स्टील मिनिस्ट्री स्टील मिनिस्टर है इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था कहाँ पर नई दिल्ली में ठीक है इसे याद रखिएगा अगला है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है बताइए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 हाल ही में आपके अनाउंस हुए थे इसमें से एक मिनिस्ट्री है एक मंत्रालय है जिसका नाम है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इस मिनिस्ट्री को इस मंत्रालय को बचे इनमें से एक पुरस्कार मिला है एक आइकन जो है वह दिया गया है आपको बताना है कौन सा है प्लेटिनम आइकन दिया गया है ब्रॉन्ज आइकन दिया गया है गोल्डन या फिर सिल्वर बताए आपका करंट अफेयर्स उत्कर्ष से अलग क्यों है बताओ प्लीज उत्कर्ष बताइए कौन सा वाले उत्कर्ष की बात कर रहे हैं आप कौन सा वाला मिला है बच्चे जो आपका ये मिनिस्ट्री है ना इसे हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 है यहाँ पे डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 का yeah, अवार्ड मिला है और कौन सा वाला कैटेगरी में पुरस्कार मिला है प्लेटिनम आइकॉन ठीक है सबसे बेस्ट मिनिस्ट्री के लिए जो है इसे पुरस्कार दिया गया है प्लेटिनम आइकॉन का और कौन से वाला प्लान के लिए मिला है तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन ठीक है स्मार्ट सिटीज जो मिशन है इसके लिए स्मार्ट सिटी का आपको पता होगा कि पूरे देश में जो है सौ स्मार्ट सिटी बनाए जाने का जो है निर्णय लिया गया है इस मंत्रालय के द्वारा और इस मिशन के लिए जो है प्लेटिनम आइकॉन पुरस्कार दिया गया है इस मंत्रालय को ठीक है और यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन में हाल ही में जो है एक नई इनिशिएटिव इस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था वो है डेटा स्मार्ट सिटीज डेटा स्मार्ट सिटीज इम्पावरिंग सिटी वाया डेटा यह आपका नया प्रोग्राम लाया गया था इस मंत्रालय के द्वारा और स्पेशली जो है बच्चे इस मिशन के अंदर इसी इनिशिएटिव के लिए इस मंत्रालय को इस मिनिस्ट्री के लिए इसे आइकॉन पुरस्कार दिया गया है ठीक है अगला है आपका किस संस्था ने कोल ट्वेंटी ट्वेंटी टू कोल ट्वेंटी ट्वेंटी टू एनालिसिस एंड फोरकास्ट ट्वेंटी फाइव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है बताइए अब ये कोल कोयला वाला कोल है ठीक है कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 इस टाइटल से इस शीर्षक से आपकी रिपोर्ट जारी की गई है आपको बताना है कि कौन सी संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक ने किया है आई ने किया है यू के द्वारा किया गया है या फिर एफ के द्वारा किया गया है अच्छा उत्कर्ष चैनल से ये कंपेयर करना तो आपका काम है बच्चे ये कंपेयर करना आप लोगों का काम है क्या अलग है ठीक है हमेशा कहा जाता है आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो आपका टेक्निकल एग्जाम के लिए जो है आपको अभी तक जो है नॉन टेक अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है मेक इट इजी में अभी तक आपको सिर्फ नॉन टेक आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन है उसके लिए प्रिपेयर करवाया जाता था तो उन एग्जाम्स के लिए जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसे आप किस तरीके से तैयार करें उस लिए बचे आपका उसके लिए जो है नॉन टेक की जो आपकी फैसिलिटी है नॉन टेक की जो फैकल्टी है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो मेन मकसद हमारा यही रहता है कि आपको कंसाइज पढ़ाया जाए ठीक है जितना आपके एग्जाम में आने लायक कंटेंट है वही बताया जाए ठीक है बस यही डिफरेंस है क्योंकि बाकी अगर आप कंपेयर करेंगे तो नॉन टेक्निकल वालों के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि नॉन टेक में बच्चे आपका बहुत बड़ा जो है पोर्शन है और जीएस का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा जो है आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलता है ठीक है तो यही अंतर है। इसका है इसका आंसर आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ठीक है इस एजेंसी के द्वारा इस संस्था के द्वारा इसे अलग इसे रिपोर्ट जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और यहाँ पे बताया गया है ये आपको भी पता होगा कि जो कोल है बच्चे अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऊर्जा का सोर्स क्या है सबसे ज्यादा जो हमारी एनर्जी मिलती है हमें जो एनर्जी मिलती है ऊर्जा मिलती है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है इंडिया में वो है कोल ठीक है और भारत के अलावा बचे चाइना है और एक यूरोपियन यूनियन है यूरोपियन यूनियन जो है आपका और एक इंडिया है और आपका चाइना है ये जो तीन आपके जो है यूरोपियन यूनियन तो आपका बहुत सारे देशों का हो गया लेकिन ये जो तीन बच्चे आपकी संस्थाएं हैं आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर है ये सबसे बड़े कोल कंज्यूमर है दुनिया में ठीक है कोल को कंज्यूमर कंज्यूम करने वाली दो तीन सबसे बड़ी संस्थाएं हैं एक तो आपका ईयू हो गया एक हमारा इंडिया हो गया और एक आपका चाइना हो गया ठीक है तो ये आपको याद रखना है और इस रिपोर्ट में ही यही बताया गया है आपका और कोल का जो एनालिसिस है कोल कोयला से रिलेटेड जो आपकी रिपोर्ट जारी की गई है वो किसके द्वारा की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा की गई है ठीक है चलिए यहाँ पे आज का आपका प्रश्न आपका सेशन होता है समाप्त मिलते हैं फिर कल तब तक के लिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए डिस्टर्ब मत होइए अपना ख्याल रखिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद